नमस्कार दोस्तों, एलवी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को इसमें मैट्रिक्स की दूसरी एक्सरसाइज यानी कि 3.2 का पार्ट 2 बताऊंगा। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज इसमें एक्सरसाइज नंबर 3.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 से बताऊँगा। इसके पहले वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक बताए गए थे। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है, यदि यहाँ पर पहला अवयव दिया गया है a बराबर, फिर दूसरा अवयव b बराबर और तीसरा अवयव दिया है c बराबर। तो इसमें आपको ज्ञात करना है a प्लस बी, इसके अलावा b माइनस सी। तो ये a प्लस बी ज्ञात करना आपको बताया गया था इसके पहले क्वेश्चन में। तो ध्यान दीजिए, यहाँ भी आपको a प्लस बी ज्ञात करना है, फिर b माइनस सी ज्ञात करना है, और इसके साथ साथ जो है इसमें यह भी सिद्ध करना है कि a प्लस बी माइनस सी एक ब्रैकेट में दिया गया, और बराबर में आपको सिद्ध करना है कि a प्लस बी माइनस सी। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिए, पहले इसमें हम लोग a प्लस बी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है a प्लस बी। तो अब ध्यान दीजिए, पहले हम लोग a का मान लिखेंगे। तो a का मान आपको यहाँ पर पहली पंक्ति में दिया गया है 1, 2, फिर माइनस 3, दूसरी पंक्ति में दिया गया है 5, 0, 2, और फिर तीसरी पंक्ति में दिया गया है 1, -1 और 1। तो यहाँ पर ये a का मान हो जाएगा, फिर प्लस। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर b का मान लिखेंगे। तो b बराबर हम लोगों को दिया गया, ध्यान दीजिए, पहली पंक्ति में है 3, -1, फिर इसके बाद 2, दूसरी पंक्ति में यहाँ पर दिया गया है 4, 2 और 5, ये इतना दिया गया है, और फिर तीसरी पंक्ति में दिया गया है 2, 0, 3। तो यहाँ पर ये b का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस बी, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, आपको बताया गया था कि अवयव में जो पहला अवयव होता है उसको पहले अवयव के साथ जोड़ते हैं, यानी कि इसको लिखा जाएगा 1 प्लस 3। फिर अगला जब लिखेंगे तो 2, फिर ध्यान दीजिए प्लस लगाएंगे तो ये प्लस माइनस मिलके हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर आ जाएगा -1, फिर इसमें दिया गया है -3, और फिर अगला हो जाएगा ये +2। तो ये पहली पंक्ति जुड़ गई, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को जोड़ना है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर +4, इसी प्रकार से दूसरा करेंगे तो 0 प्लस 2, और फिर अगला हो जाएगा 2 प्लस 5, इसी प्रकार से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2, फिर यहाँ पर -1 प्लस 0, फिर अगला हो जाएगा 1 प्लस 3। तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 और 1 मिलके हो जाएगा 4, फिर 2 से 1 घटेगा तो ये आ जाएगा 1, 3, 2। तो यहाँ पर माइनस के 3 से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1। फिर इसके बाद 5 और 4 मिल के हो जाएगा 9, 0 प्लस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 5 और 2 मिल के हो जाएगा 7, फिर 2 और 1 हो जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा -1, 3 और 1 मिल के हो जाएगा 4। तो यहाँ पर ये मान जो होगा वो a प्लस बी का हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लोगों को ज्ञात करना है b माइनस सी। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोगों को ज्ञात करना है b माइनस सी। तो यहाँ पर हो जाएगा b माइनस सी। तो पहले हम लोग b का मान यहाँ पर लिखेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, b में दिया गया था आपको, पहली पंक्ति में दिया है 3, -1, 2। तो यहाँ पर पहली पंक्ति में हो जाएगा 3, -1 और फिर 2। तो यहाँ पर जो 3 दिया गया था वो प्लस में दिया गया है आपको, यानी कि 3, -1 और 2। तो ये b का मान हो जाएगा यहाँ पर। फिर दूसरी पंक्ति में देखिए लिखा है 4, 2, 5। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 और 5। फिर इसके बाद तीसरी पंक्ति में जो b का मान दिया गया था वो दिया गया था 2, 0 और 3। तो ये b का मान हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस, अब यहाँ पर हम लोग c का मान लिखेंगे। तो इसमें c का मान लिखना है, तो अब ध्यान दीजिए, c में पहली पंक्ति में दिया गया है 4, 1, 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 1 और 2, ये पहली पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति में दिया गया है 0, 3, 2। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति में 0, 3, 2, और फिर तीसरी पंक्ति में दिया गया है आपको 1, -2, 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, -2 और 3। तो ये C का मान हो जाएगा। तो इसको हम लोग घटाएंगे तो उसी प्रकार से जैसे अभी ऐड किया गया था इसमें आपको माइनस करना है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका पहला अवयव दिया गया है 3, और यहाँ पर पहले दिया गया 4, तो ये हो जाएगा 3, -4। फिर इसके बाद अगला इसमें दिया गया है -1, यहाँ पर दिया गया 1, तो इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा -1। फिर ये हो जाएगा 2, -2, इतना हो गया, ये पहली पंक्ति हो गई। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4, -0, फिर हो जाएगा 2, -3, और फिर अगला हो जाएगा 5, -2। तो ये इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से अब तीसरी पंक्ति करेंगे तो ये हो जाएगा 2, -1,
फिर हो जाएगा जीरो माइनस, देखिए जीरो माइनस दो जब करेंगे तो ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस दो, फिर हो जाएगा तीन माइनस तीन, तो ये इतना हो जाएगा। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर तीन से चार घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का एक, माइनस एक और माइनस एक मिलके हो जाएगा माइनस दो, और दो से दो घट जाएंगे तो ये आ जाएगा ज़ीरो, फिर यहाँ पर चार आ जाएगा, तीन से दो घटाएंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा माइनस का एक, पाँच से दो घटाएंगे तो तीन, फिर दो से एक घटेगा एक यहाँ पर आ जाएगा दो, और फिर तीन से तीन घटाएंगे तो ये हो जाएगा ज़ीरो। तो ये मान बी माइनस सी का हो गया। अब इसके बाद तो इसमें हम लोगों को सिद्ध करना था कि ए प्लस ब्रैकेट में दिया गया था बी माइनस सी, और इसका मान बराबर करना है आपको ए प्लस बी फिर माइनस सी। तो इसमें हम लोग एल एच एस साइड लेंगे पहले, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे एल एच एस साइड। तो यहाँ पर एल एच एस में आपको दिया गया है ए प्लस फिर बी माइनस सी, तो ये इतना होगा। तो यहाँ पर हम लोग ए का मान लिखेंगे, तो अब ध्यान दीजिए पहले आपको ए का मान लिखना है, तो ए का मान जो दिया गया है ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए का मान आपको ये दिया गया था एक दो और माइनस तीन, तो पहली पंक्ति में था एक दो माइनस तीन, फिर दूसरी पंक्ति में आपको दिया गया है पाँच जीरो दो, और फिर एक माइनस एक और एक, तो ये ए का मान हो जाएगा। इसके बाद प्लस, अब फिर ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया बी माइनस सी, और बी माइनस सी अभी हम लोगों ने ये ज्ञात किया है, तो यहाँ पर बी माइनस सी का ये वाला मान रखना है आपको, यानी कि माइनस वन माइनस दो फिर ज़ीरो, फिर इसके बाद चार माइनस एक तीन, फिर एक दो ज़ीरो, तो ये इतना हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो अब जब ऐड करेंगे इसको तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए पहला अवयव पहले अवयव के साथ जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग जब लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा एक, और यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे तो ये माइनस वन हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला इसी प्रकार लिखेंगे तो दो, यहाँ भी माइनस दिया गया है तो ये हो जाएगा माइनस दो, फिर अगला लिखेंगे तो माइनस तीन और प्लस हो जाएगा ज़ीरो, तो ये पहली पंक्ति हो गई। इसी प्रकार से दूसरा लिखना है तो पाँच प्लस चार, फिर अगला हो जाएगा जीरो, यहाँ पर माइनस वन दिया है तो ये माइनस वन, फिर हो जाएगा दो प्लस तीन। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति करना है तो ये हो जाएगा एक और प्लस में आ जाएगा एक, फिर इसके बाद माइनस एक और प्लस में आ जाएगा दो, फिर इसी प्रकार तीसरा करेंगे तो ये हो जाएगा एक और प्लस में हो जाएगा ज़ीरो। तो इसको जब हल करेंगे तो हल करने पर यहाँ पर एक से एक घटेगा ये हो जाएगा ज़ीरो, दो से दो घटेगा ज़ीरो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का तीन, ये इतना हो जाएगा। फिर पाँच और चार मिलके हो जाएगा नौ, जीरो से एक घटाएंगे तो माइनस एक और दो तीन मिलके हो जाएगा पाँच, फिर एक प्लस एक हो जाएगा दो, यहाँ पर दो से एक घट जाएगा तो एक और यहाँ पर आ जाएगा एक, तो ये आ गया एल एच एस साइड। तो अब इसी प्रकार हम लोग आर एच एस साइड अब ज्ञात करेंगे, तो आर एच एस साइड में दिया गया है ए प्लस बी और फिर माइनस सी। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने ए प्लस बी ज्ञात किया था, तो यहाँ पर पहले हम लोग ए प्लस बी का मान लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ए प्लस बी अभी हम लोगों ने ज्ञात किया था, तो ए प्लस बी का मान ये आया था चार एक माइनस एक, फिर नौ दो सात और तीन माइनस एक चार, तो ये आया था ए प्लस बी का मान। तो वही मान अब आपको यहाँ पर ए प्लस बी का लिखना है, तो ध्यान दीजिए ए प्लस बी में हम लोग लिखेंगे चार एक फिर माइनस एक, फिर नौ दो सात, इसके बाद तीन माइनस एक चार, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का मान, और फिर इसके बाद माइनस यहाँ पर अब लोग माइनस सी का मान लिखेंगे, तो सी का मान दिया गया था चार एक दो, फिर इसके बाद जीरो तीन दो, और फिर लास्ट में दिया गया था वन माइनस टू थ्री, तो ये मान हम लोगों को सी का दिया गया था। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस लगा है, तो यहाँ पर हम लोग इसको घटाएंगे अब, तो घटाएंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अब इसको लिखेंगे हम लोग चार माइनस चार, तो पहला ये हो जाएगा चार माइनस चार, फिर दूसरा इसी प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक माइनस एक, फिर इसके बाद जब अगला लिखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा गया है माइनस वन, फिर इसके बाद माइनस लगाएंगे, और जब अगला पद लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का दो, ये इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें लिखना है आपको, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग नौ माइनस ज़ीरो, फिर अगला हो जाएगा दो माइनस तीन, फिर इसके बाद लिखेंगे तो सात माइनस दो। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति लिखना है तो तीन माइनस एक, फिर हो जाएगा माइनस एक माइनस दो, तो जब माइनस दो रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस दो, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा चार, फिर माइनस हो जाएगा तीन, तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जब इसको हल करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर चार से चार घटेगा ज़ीरो, एक से एक घट जाएगा ज़ीरो, माइनस एक और माइनस दो मिलके हो जाएगा माइनस तीन, फिर यहाँ पर आ जाएगा नौ,
इसके बाद 2 से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1, 7 से 2 घटाएंगे यहाँ पर आ जाएगा 5, 3 से 1 घटाएंगे तो 2, 2 से 1 घटेगा ये हो जाएगा 1, और 4 से 3 घटाएंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 1। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एल एच एस साइड हम लोगों ने ज्ञात किया था, इसका मान जो आया था, और आर एच एस साइड, ये दोनों मान जो है वो सेम आया। ध्यान दीजिए 0 0 -3, यहाँ भी आपका जो मान आया है वो 0 0 -3, दूसरी पंक्ति में 9 -1 5, यहाँ भी 9 -1 5, इसी प्रकार तीसरी पंक्ति 2 1 1, यानी कि दोनों पक्ष बराबर आए, तो ये सिद्ध हो गया है। तो अब आप यहाँ पर बता सकते हैं कि एल एच एस साइड जो होगा वो बराबर होगा आर एच एस साइड के, तो ये चीज़ सिद्ध हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिए, यहाँ पर आव्यूह ए दिया गया और आव्यूह बी दिया गया, आपको यहाँ पर 2 आव्यूह दिए गए हैं और आपको ज्ञात करना है यहाँ पर 3a-5b, ए का मान दिया गया और बी का मान दिया गया, आपको ज्ञात करना है 3a-5b। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको ज्ञात करना है 3a-5b, तो आप यहाँ पर लिखेंगे पहले 3, इसके बाद दिया गया है ए, तो यहाँ पर अब आपको ए का मान लिखना है, तो ए का मान ये दिया गया है यहाँ पर हो जाएगा 2/3, फिर इसके बाद 1/3 और फिर 7/3, इसी प्रकार दूसरे कॉलम में लिखेंगे तो 1 2/3 और 2, तो ये इतना हो जाएगा। इसी प्रकार जब तीसरे कॉलम में लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5/3, फिर 4/3 और इसके बाद 2/3, तो ये इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले वाले में ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया -5b, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और इसके बाद यहाँ पर हम लोग b का मान लिखेंगे, तो b में अब दिया गया है 2/5, इसके बाद 3/5 और फिर लास्ट में 1 दिया गया है, इसके बाद हो जाएगा 1/5, 2/5 और 4/5, और तीसरी पंक्ति में दिया गया है 7/5, 6/5 और फिर 2/5, तो ये इतना हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग पहले 3 से इसमें गुणा करेंगे और 5 से इसमें गुणा करेंगे, उसके बाद इसको घटाना है आपको। तो अब जब इसका हम लोग गुणा करेंगे, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जब 3 का गुणा अंदर इसमें करेंगे तो यहाँ पर बटे में 3 दिया गया, तो यहाँ पर 3 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 3, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा गुणा करने पर और इसका मान आ जाएगा 5, तो ये इतना हो जाएगा। इसी प्रकार जब इस पंक्ति में करेंगे तो यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1, यहाँ भी 3 कैंसिल हो जाएगा 2, यहाँ भी 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 4। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति में जब करेंगे तो यहाँ पर 3 कैंसिल होगा 7, यहाँ पर गुणा होगा तो 2 3 6, और फिर यहाँ भी 3 कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 2, तो ये इतना हो जाएगा। इसके बाद फिर इसी प्रकार इसमें आपको गुणा करना है, तो यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे इसमें हम लोग, तो जब यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 कैंसिल हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा 2, यहाँ भी 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, फिर हो जाएगा 5 1 5, तो ये इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी 5 कैंसिल होगा तो यहाँ पर आएगा 1, फिर इसके बाद 2 और फिर आ जाएगा 4। इसी प्रकार से इस पंक्ति में भी 5 कैंसिल हो जाएगा, बटे में दिया गया है तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 6 और फिर ये आ जाएगा 2, तो यहाँ पर ये बटे में दिया गया और जब गुणा करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसी प्रकार इसमें 3 कैंसिल हो गया तो ये इतना आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसको माइनस करेंगे, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जब इसको माइनस करेंगे तो पहले अवयव को पहले अवयव के साथ घटाएंगे, यानी कि 2 -2, इसी प्रकार अगला करेंगे तो ये हो जाएगा 3 -3, और फिर अगला करेंगे तो ये हो जाएगा 5 -5, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद अगला घटाएंगे तो 1 -1, फिर इसके बाद 2 -2 और फिर हो जाएगा 4 -4, तो ये इतना हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये आएगा 7 -7, फिर इसके बाद 6 -6 और लास्ट में हो जाएगा 2 -2, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये सभी जो है एक जैसे हैं, इनको जब हम लोग घटाएंगे तो पहले में भी 0 0 0, इसी प्रकार इसमें भी पूरी पंक्ति में आपका ये मान हो जाएगा 0, इसके बाद इसका मान भी जो आएगा वो 0 आएगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 0 हो जाएगा, तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन दिया गया, तो यहाँ पर एक कॉस थीटा आव्यूह के बाहर दिया, इसका हम लोग इसमें गुणा करेंगे, तो अब ध्यान दीजिए जब यहाँ पर इस कॉस थीटा का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉश स्क्वायर थीटा, और इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा और इनटू में हो जाएगा कॉस थीटा, इसी प्रकार से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा और इनटू में हो जाएगा कॉस थीटा, इसके बाद कॉस का गुणा जब कॉस में किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस, अब इसी प्रकार यहाँ पर साइन का गुणा करेंगे इसमें, तो ध्यान दीजिए जब साइन का गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा,
इसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये इतना आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। इसके बाद साइन का गुणा जब साइन में होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर प्लस लगा है तो इसको ऐड करेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिए, पहला अवयव पहले अवयव के साथ जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर हो जाएगा माइनस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, तो ये इतना हो जाएगा पहली पंक्ति में। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में आपको करना है, तो यहाँ पर दिया गया है माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर इसमें लिखेंगे प्लस साइन थीटा और इंटू में हो जाएगा कॉस थीटा। इसी प्रकार जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इतना आ जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। यहाँ पर ये प्लस में और ये माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इसका मान आ जाएगा 0। इसी प्रकार यहाँ भी ये माइनस में दिया गया और ये प्लस में दिया गया, तो इसका मान आ जाएगा 0 और यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 1, तो ये इतना हो जाएगा। तो ये इकाई आवयव हो जाएगा, तो आप चाहे तो इतना छोड़ सकते हैं या फिर इसका मान आ जाएगा 1, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें दिया गया है एक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस वाई और इधर दिया गया अवयव पहली पंक्ति में 7 0 और दूसरी पंक्ति में 2 5, इसी प्रकार दूसरा अवयव दिया है, तो इन दोनों को हल करके हम लोगों को एक्स और वाई के मान ज्ञात करने। तो ध्यान दीजिए, जो पहला दिया गया वो है एक्स प्लस वाई बराबर, यहाँ पर लिखा गया है 7 0 2 5, इतना दिया गया है, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जो दूसरा दिया गया, यहाँ पर दिया गया एक्स माइनस वाई बराबर दिया गया है 3 0 0 3, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर आपको 2 समीकरण दिए हैं और इनको हल करके आपको एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं, तो इसको हम यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2, इसका मतलब समीकरण 1 और 2 को आपको जोड़ना है। तो अब ध्यान दीजिए, जब समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक्स और एक्स ये मिलके आ जाएगा 2x, y और y प्लस माइनस मिलके हो जाएगा कैंसिल, यानी कि इसका मान जो आएगा वो आ जाएगा 0 आपका। इसके बाद बराबर में यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस कट के आ गया 0, इसके अलावा ये 2x हो जाएगा। इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले में दिया गया था 7 और यहाँ पर पहला अवयव दिया गया 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3। इसी प्रकार इसमें पहला अवयव 0 और इसमें दिया गया 0, तो यहाँ भी ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार जब दूसरा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर प्लस में लिखेंगे 0, फिर अगला हो जाएगा 5 और प्लस में आ जाएगा 3, तो ये इतना आ जाएगा। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, इसको आप लिखेंगे यहाँ पर 7 और 3 मिलके हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 और 3 मिलके 8, यानी कि ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहाँ से हम लोग एक्स ज्ञात करेंगे तो 2 इसके बट्टे में आएगा, यानी कि इसको आप लिखेंगे एक्स बराबर 1 बट्टे 2, इधर हो जाएगा 10 0 2 8, तो ये इतना हो गया। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 से आपको भाग करना है इसमें 10 अभी में, क्योंकि बटे में 2 दिया गया, तो जब इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 2 5 10, 0 को भाग करेंगे तो 0 ही रहेगा, ये 2 से 2 कटेगा 1 और ये हो जाएगा 2 चौको 8, तो ये इतना आ जाएगा, यानी कि ये मान जो है वो एक्स का आ गया। अब एक्स का मान हम लोग किसी भी समीकरण में रख देंगे, जैसे समीकरण 1 में रख देते हैं मान लो, या फिर समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं तो समीकरण 2 से, तो अब समीकरण 2 में एक्स का मान रखना है, तो ये समीकरण नंबर 2 दिया गया आपको, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्स का मान लिखेंगे आप, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 1 0 4, तो ये एक्स का मान हो गया। इसके बाद दिया गया आपको माइनस वाई और फिर बराबर में दिया गया है 3 0 0 3, तो ये इतना दिया गया है। तो अब इसमें ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर y माइनस में दिया गया आपको, यानी कि माइनस वाई बराबर, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 0 0 3, इसके बाद माइनस ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5 0 1 4, इतना होगा। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर घटाना है आपको, तो 3 से 5 जब घटाएंगे तो इसका मान आएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 से 1 घटाएंगे तो -1 और 3 से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा -1। तो जब यहाँ से हम लोग y ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए इधर माइनस आएगा, तो यहाँ पर ये जो माइनस में दिए गए हैं ये सभी मान जो होंगे वो प्लस में हो जाएंगे, यानी कि 2 0
एक एक, तो ये मान y का हो जाएगा और ये मान x का हो जाएगा, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार ये इसका सेकंड नंबर दिया गया है। यहाँ भी आपको दो समीकरण दिए गए हैं और दोनों समीकरण हल करके x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या होगी तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।